अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो सुन लीजिए, नहीं सीखने तो अपने मन का लगाए रहिए, पर उसका कोई इलाज नहीं, आप समझिए। भाई रामायण में लिखा है, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश रखेंगे, जमीन में चलेंगे नंगे पांव, विशेष उदास रहेंगे, चेहरे पर हंसी नहीं आएगी 14 साल रघुनाथ जी के। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये वरदान माता के कई ने मांगा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जिनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी, जिनके जो कमल या गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा नरम उनके ओंठ थे, हवा लगती थी तो ओंठ मुरझा जाते थे, वो जानकी जी नंगे पांव 14 वर्ष चली। आपको तो 14 वर्ष रोटियां भी मिली, बिस्तर भी मिला, शादी भी हुई, बच्चे भी, जो भी है, तो आपको कोई सुख की कमी नहीं रही। आप भगवान की दुख का अंदाजा तो लगाकर देखिए कि भगवान ने कितना कष्ट उठाया। जब आप दूसरे का बड़ा दुख देखेंगे तो आपका दुख छोटा लगने लगेगा, और अगर आप अपना दुख बड़ा देखेंगे तो दूसरे का दुख छोटा लगेगा, तो आप कैसे जिएंगे। ये जीवन जीने की कला है, वास्तव में जीवन जीने की कला की। भैया भगवान ने भी इतने कष्ट उठाए हैं तो हम तो मनुष्य, भगवान ने तो कोई अपराध किया नहीं, लेकिन भगवान ने कष्ट उठाकर सीख कर हमें सिखाया है, हमें सीख दी है, तो हमारे साथ तो बहुत सारे पाप जुड़े हैं पिछले जन्मों के, मनुष्य हम लोगों से तो पाप होते रहे। तो इसलिए मन को प्रसन्न रखिए, संबल दीजिए और अपना काम करिए।